एक लाडली बेटी थी। सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ मदनलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी, जिसका नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को कल्पना के शादी की चिंता सताने लगी। काफी तलाश के बाद एक योग्य वर ब्रजपाल की तलाश हुई। ब्रजपाल चौधरी सत्येंद्र का पुत्र है। सेठ मदन लाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री कल्पना के लिए ब्रजपाल से विवाह कराने की बात की। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है, कल्पना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई और संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और ब्रजपाल का विवाह संपन्न हुआ। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ मदनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर वर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी। किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई, ये खुशी को दुगनी करने वाली थी। सेठ मदनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह मदनलाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद ये मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु ये उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। सेठ मदनलाल कल्पना से मिलने और अपने बेटे के छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुँचे। चौधरी और ब्रजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह कल्पना से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। उन्होंने कल्पना को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। कल्पना के संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता को खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी ये मेरे खुशी के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू निकल गए। पिता को ये बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण
अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ न्योता देकर अपने घर वापस लौट गए। चौधरी सत्येंद्र और ब्रजपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और कल्पना को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि कल्पना का ही प्रयोग करना चाहा। ब्रजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी। काफी देर सोच विचार कर कल्पना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। कल्पना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती है और अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर से मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति ब्रजपाल के नाम लिखती है, जिससे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व निछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने कभी नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह कल्पना के जीवन का दुखद अंत था। महिला कांस्टेबलों ने कल्पना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो ब्रजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ आ रहा था। चौधरी ब्रजपाल और सत्येंद्र के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इनकी हत्या की है। बस क्या था, ब्रजपाल और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद कर लिया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे ब्रजपाल और चौधरी सत्येंद्र के सभी यातनाओं का उजागर हुआ। पुलिस ने कानूनन ब्रजपाल और सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें ब्रजपाल को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना से ये सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल कल्पना ही नहीं आई अपितु
कल्पना के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भोगने के लिए अपराधी हुए। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक कल्पना इस घटना का शिकार हुई है, ना जाने कितनी ही कल्पना फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना चाहिए। अगर कल्पना के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज कल्पना उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभियों को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वे बहू को ब्याकर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी होती है, ना कि वह किसी धन कुबेर को उठाकर लाते हैं जो उसके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।